Hello everyone, welcome to my new Java lecture. This is Majid Shahab from VZ Learning Channel and आज के Java के इस lecture में हम लोग जो topic discuss करेंगे वो होगा Java का static method. Okay? So Java static method. Last lectures में मैंने आपको Java के static variables के बारे में बताया था और अभी जो हमारा topic आ गया वो है Java static method. So देखते हैं पहले हम अपने तरीके से कि ये क्या है और after that हम लोग internet पे जो बताया गया about स्टैटिक मेथड ऑफ जावा वो देख लेंगे और फिर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी चेक कर लेंगे यूजिंग नेटबीन. ओके, सो ये एग्जांपल हमारी रेडी होगी. सो सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू माय स्टाइल, व्हाट इज जावा स्टैटिक मेथड. सो लेट्स सी. ओके, सो जावा में हम लोग बनाते हैं क्लास. ठीक है, सो लेट्स सपोज ये क्लास है. ओके, क्लास में होते हैं हमारे पास डेटा मेम्बर्स एंड फंक्शन मेम्बर्स, यानी क्लास में हमारे पास वेरिएबल्स हो गए जो आप देख रहे हैं. यहाँ पे मैंने इंट एक्स लिया हुआ है और एक मैंने मेथड भी बनाया हुआ है यहाँ पे पब्लिक वाइड शो. एक ये आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैंने फिलहाल एक एक किया हुआ है. सो ये हमारी जावा की क्लास है. ठीक है, इसमें एक हो गया वेरिएबल और एक हो गया हमारा मेथड. नाउ हम क्लास के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट. सो ये आ गया हमारा एक ऑब्जेक्ट क्लास का. ठीक है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है ओबीजे वन. तो एक्चुअली में क्या होता है, जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उस केस में आपके जो वेरिएबल्स हैं, जैसे अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, ओबीजे वन मैंने इसका नाम रखा. इस केस में होता क्या है कि आपका एक कॉपी वेरिएबल की आ जाएगी यहाँ पे, इसका हमने नाम रखा हुआ एक्स. ओके, हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ एक्स, तो उसकी एक कॉपी आ गई आपके पास ओबीजे वन के पास. ठीक हो गया, सो हमने ओबीजे वन में रख दिया एक एक्स. तो जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी क्लास का, तो क्लास में जो वेरिएबल हैं, जिस केस में है एक्स, और जो इसमें मेथड है उसकी एक एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, तो एक वेरिएबल था उसकी कॉपी आ गई और एक यहाँ पे शो मेथड था. ठीक है, सो शो मेथड भी यहाँ पे आ चुका है. ठीक है जी, चलें सही हो गया. अब ये मैंने जो बात की है इसको आप लोग फोर से देखें. ओके, ये जैसे ही ओबीजे वन बना है उसमें x भी आ गया और उसमें शो भी आ गया और ये ओबीजे वन की अपनी बाउंड्री है. ओके, ये पूरी इसकी बाउंड्री है. हम क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, सो ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, इसका नाम हमने रख दिया ओबीजे टू. जब ओबीजे टू बनेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके जो क्लास में वेरिएबल है एक्स उसकी एक कॉपी यहाँ पर भी आ जाएगी. ठीक है, यहाँ रख लेते हैं और उसका भी नाम यही होगा, एक्स ही होगा. ठीक है, सो ये आ गया हमारा x. ठीक है जी, सो ये आ गया x. और चूंकि वहाँ पे क्लास में एक वेरिएबल मेथड भी है जिसका नाम है शो, तो शो भी इसके पास आ गया, बाहर चला गया, ये आ गया. सो इसी तरह आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्लास के बनाएंगे वो सब के सब अपनी अपनी कॉपीज लेकर आएंगे. ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है. तो अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखते हैं क्लास का नेम. लेट्स सपोज क्लास का नेम है ए. ठीक है, तो आप कैसे करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं ए, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं ओबीजे वन, न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो आप कॉल करते हैं. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, साथ में हम लोग एक और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं और उसका नेम है, थोड़ा दूर करके बनाता हूँ ताकि आपको पता लगे, ये है इसका नेम, डेट इज ओबीजे टू. ठीक हो गया, ये दो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं. अब ये भी हो सकता है कि एक्स वेरिएबल जो ओबीजे वन में है, ठीक है, एक्स वेरिएबल जो ओबीजे वन का है, ओबीजे वन उसमें अपनी वैल्यू कोई इंसर्ट करना चाहे, डेट इज पॉसिबल. ठीक है, और शो फंक्शन क्या कर सकता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है. ये हमने सब किया हुआ है. ठीक है, दोबारा देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ ओबीजे वन जो है जब वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, क्लास के कंस्ट्रक्टर को, हमने कंस्ट्रक्टर पे भी काफ़ी डिटेल डिस्कस की है, आप देख सकते हैं क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है यहाँ पे है ए, और मैं कहता हूँ ओबीजे वन जो कह रहा है जब बन रहा है तो वो कहता है कि मेरे लिए वैल्यू सेट करो एक्स की टू, फॉर एग्ज़ाम्पल. ठीक है, ओबीजे वन कह रहा है जब मैं बन रहूँगा तो मेरे लिए एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या सेट कर दो, टू. तो यहाँ पर आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा टू. ठीक है जी, कैसे होगा वो आपको मैंने बताया हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर आपके वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देगा. मैं आपको यहीं पे कर देता हूँ जल्दी से ताकि आपको
आइडिया हो जाए कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। वो हमने वैसे पढ़ा हुआ भी है, सो यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है। सो क्लास का नेम, और ये कंस्ट्रक्टर गेट करेगा वेरिएबल। सो इसमें हम लोग कर देंगे एक्स की वैल्यू को ए के साथ, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर फिनिश। ठीक है जी, क्लास को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं क्योंकि क्लास हमारी काफ़ी नीचे चली गई है। ओके सो इसको हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लास में कंस्ट्रक्टर भी आ गया। क्या हुआ है देख लेते हैं। ओबीजे वन कॉल हो रहा है, ओबीजे वन बन रहा है एक्चुअली, और न्यू वेरिएबल के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ हम लोगों ने अपने कंस्ट्रक्टर को, हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की और कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और ये ए जो है पैरेंथेसिस में, ये एक्चुअली में ये वाला वो है कि ये स्पेशल फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है। कितनी वैल्यू जा रही है, एक वैल्यू जा रही है। किसको मिल रही है, इस ए को, और हम लोगों ने एक्स को असाइन कर दिया है जो ए में वैल्यू आई है, डेट इज़ इन दिस केस 2। ओके, अब ओबीजे 2 बनने जा रहा है और वो कहता है कि मेरे लिए एक्स की वैल्यू सेट करोगे आप लोग 4। तो यहाँ पे एक्चुअली में आ रहा है 4, किसके लिए आ रहा है, ओबीजे 2 के लिए, क्योंकि ओबीजे 2 कह रहा है कि जब मैं बनूंगा तो मेरे लिए एक्स की वैल्यू सेट होनी चाहिए 4। तो ये अगेन वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, 4 जा रहा है, किसको मिलेगा, ए को, और एक्स की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, ए, और ए में पड़ा हुआ है भी 4। तो आप देख सकते हैं ओबीजे 2 के लिए आ गया 4। अब शो फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, थोड़ा सा नीचे, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ओके, और ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है हमारे पास एक्स की वैल्यू को, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है जी, ओके। सो ये हमारे लिए दोनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, ओबीजे 1 के लिए भी प्रिंट होगी, ओबीजे 2 के लिए भी प्रिंट होगी। आई होप ये सबको क्लियर है। अब आप कहेंगे ये इतनी डिटेल हमें क्यों बताई जा रही है, तुमने पहले पढ़ी है। असल में हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड से रिलेटेड, और वो है जावा का स्टैटिक मेथड, ओके। सो पहले तो आप लोग इस चीज़ को फोकस कर लें ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में मेथड्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, एंड सो ऑन। देखें, ऑब्जेक्ट बन रहा है ओबीजे 1, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसके लिए वैल्यू जा रही है 2। ये 2 किसको मिलेगी, इस कंस्ट्रक्टर को, इंट ए, इसके पास एक वेरिएबल है ए, वो 2 को गेट करेगा, एक्स को साइन कर देगा 2, और यहाँ पे एक्स प्रिंट हो रहा है, और जो प्रिंट कर रहा है वो शो फंक्शन है, ठीक है। फिर ओबीजे 2 बना, उसने वैल्यू दी 4, यहाँ पे आई, एक्स को साइन हुई, और ओबीजे 2 का जो शो फंक्शन है वो आपके एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, डेट इज 4, ठीक है। पहले तो ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली कराता हूँ, देखते हैं। हमारे पास जो वेरिएबल है वो है एक्स, ठीक हो गया। हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम की तरह होता है, हमने रूल्स पढ़े में हैं, हमने देखा हुआ है। सो ये आ गया आपका कंस्ट्रक्टर, और इस केस में वो एक वैल्यू भी लेगा हमसे, ठीक है, और एक्स को साइन कर देगा वो वैल्यू ए, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वाइड शो, और ये मेथड क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेगा, किसको करेगा, एक्स को करेगा, ठीक हो गया। फिलहाल कोई एरर नहीं है, गुड। अब हम लोग मेन में आते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नाम क्या है, ये है ओबीजे 1 बना, न्यू के थ्रू बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर को हमने कहा कि पहले वाले के लिए वैल्यू सेट कर दो 2, ये जो आपका नहीं ओबीजे 1, उसके लिए वैल्यू सेट कर दी है हमने 2। फिर से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे 2, और कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और इस बार हमने कहा कि वैल्यू सेट कर दो 4, ठीक हो गया। सो जब ओबीजे बन रहा था, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, वैल्यू जा रही है 2, इसके पास आई, वैल्यू एक्स को साइन हो गई 2, और आपके वाइड शो ने प्रिंट कर दिया एक्स की वैल्यू 2, किसके लिए, जब ये बनेगा। एक काम करते हैं, पहले इस वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं, फिलहाल एक का ही देखते हैं, ठीक है जी। और मैं ओबीजे 1 को कहता हूँ कि आप शो फंक्शन जो है वो एक्सेस कर लो, ठीक है। सो अब चेक करते हैं, हम लोग पे करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओबीजे 1 बना है उसमें जो वैल्यू आपने सेंड की थी वो प्रिंट हो रही है 2, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे वैल्यू सेंड किया 2, वहाँ पे कैच हुई, असाइन हुई एक्स को, और आपका शो फंक्शन जो है वो इसको प्रिंट कर रहा है, नथिंग एल्स। सो डायग्राम चेक करें, ओबीजे 1 बना था, 2 वैल्यू सेट हुई थी, किस में सेट हो गई थी, एक्स में, और उसका शो फंक्शन जो है आपकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, अच्छा जी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है उसको बना लेते हैं, उसकी वैल्यू भी सेंड हो गई है, और ओबीजे 2 को कहते हैं कि तुम भी शो फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक हो गया। सो ये कौन सी वैल्यू सेंड करा है, 4। इसका जब शो फंक्शन कॉल होगा तो वो एक्चुअली में
एक्स में जो वैल्यू आ रही है इस बार 4 आ रही है, ओके ओबीजे 2 के लिए वो प्रिंट होनी चाहिए। सो देखें, सो 2 एंड 4 दोनों हमारे लिए प्रिंट हो रही है। वाई? बिकॉज ओबीजे 1 के लिए अपना शो फंक्शन कॉल हो रहा है, ओबीजे 2 के लिए अपना फंक्शन शो कॉल हो रहा है, शो फंक्शन कॉल हो रहा है, और एक्स में जो भी वैल्यूज आई हैं वो हमारे लिए प्रिंट हो रही है। बिल्कुल ये वही डायग्राम है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे थे। कहने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि ओबीजे 1 का अपना एक्स है और अपना शो फंक्शन होता है, ओके। ओबीजे 2 का अपना एक्स है और इसका अपना शो फंक्शन है। ओबीजे 2 जो वैल्यू सेंड कर रहा है 4 इन दिस केस, शो फंक्शन सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहा है, और पहले वाला 2 सेंड कर रहा है, शो फंक्शन सिर्फ उसी को प्रिंट कर रहा है। नाउ सुने, ये जो आपके एक्स और ये जो आपने एक्स जो बनाया हुआ है और आपने जो ये शो फंक्शन बनाया हुआ है, इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड्स। इंस्टेंट मेथड है ये और ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ओके। जिसका मतलब ये होता है कि ये दोनों, ये जो है एक्स और शो फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी एक्स की कॉपी आई हुई ओबीजे 1 के पास, एक्स की कॉपी आई हुई ओबीजे 2 के पास, यानी इनके साथ लिंक्ड हैं ये दोनों। शो फंक्शन भी इसको मिला हुआ है, शो फंक्शन इसको भी मिला हुआ है। सो ये लिंक्ड हैं आपके ऑब्जेक्ट के साथ। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनते हैं वो अपने अपने कॉल होते हैं, ओके। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों ने जो फोकस करना है स्टैटिक मेथड, वो क्या होता है ज़रा वो देखते हैं। सो क्लास को मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में कर देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ओके जी। अब ज़रा देखें कि यहाँ पे एक मेथड बनने वाला है जिसका नाम है स्टैटिक वॉइड शो टू, ये एक मेथड बना है स्टैटिक वॉइड शो टू, ठीक है। सो ये भी एक मेथड ही है, लेकिन इसमें एक स्टैटिक वर्ड आ गया है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो अभी शो टू मेथड है, जो शो टू मेथड आपने बनाया, ना वो ओबीजे 1 के साथ लिंक्ड है, ना वो ओबीजे 2 के साथ लिंक्ड है, वो किसी के साथ लिंक ही नहीं है। और वो किसके साथ लिंक है? वो सिर्फ एक ही चीज़ के साथ लिंक है, और वो है बेसिकली आपकी क्लास, ये इसके साथ है, ठीक है। ये जो आपने बनाया शो टू, ये बेसिकली आपने लिखा हुआ है स्टैटिक, और स्टैटिक जो आपके मेथड्स होते हैं वो लिंक होते हैं आपकी क्लास के साथ, उनको बोलते हैं क्लास लेवल मेथड्स, ओके। और जो ये सिंपल है बगैर स्टैटिक जो आपने बनाए, वो इंस्टेंस लेवल मेथड्स हैं, ओके। इसका मतलब ये कि वो आपके इन ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक हैं, और ये वाला जो है वो उनका ऑब्जेक्ट के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसकी एक और बात है, वो ये है कि जब हमने ये शो मेथड बनाया था, ये वाला दिस वन, जब हमने ये बनाया था तो हमने इसको कॉल कैसे किया, आप ज़रा यहाँ पे देखें। हमने ओबीजे बनाया था और उसके ओबीजे 1 बनाया था, और उसके शो मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा था ओबीजे 1 डॉट शो। जब हमने ओबीजे 2 बनाया उसके लिए हमने लिखा ओबीजे 2 डॉट शो। हमने उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का सहारा लिया है, ओके। लेकिन मैंने जो आपसे अभी बात की वो ये है कि स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट के साथ लिंक ही नहीं है, बल्कि वो क्लास के साथ है। इसका मतलब ये है कि इनको कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये लिंक्ड है किसके साथ? क्लास के साथ। तो आप देखें ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे बना लेते हैं स्टैटिक वॉइड शो टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई एम स्टैटिक मैथड, ठीक हो गया। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम स्टैटिक मैथड। नाउ स्टैटिक मेथड जो कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो टू एंड सेमी कॉलन। तो आप ज़रा नोटिस करें यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, आपने देखा है यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है, और ये स्टैटिक मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आप इसको बना, अगर इसको कॉल करना चाहते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट मत बनाएं, ये खुद ही कॉल हो सकता है आपके लिए। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा है, देखें सिर्फ नाम लिखा है। अभी देखें, अच्छा ये देखें ज़रा, आई एम स्टैटिक मेथड कॉल हो गया। यानी कि इसका कोई भी लिंक नहीं है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, इस चीज़ का कोई भी लिंक नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ये बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा अब एक और चीज़ भी नोट करें डायग्रामेटिकली, वो ये है कि ये छोटू जो है ना, ये मेमोरी में अपनी जगह लेके आ रहा है, ओके। ये है अपनी जगह और यहाँ पे बैठा हुआ है शो टू, ये है शो टू, ठीक है। सो इसका इनके साथ लिंक नहीं है, ठीक है, मतलब ये अलग स्पेस पे बैठा हुआ है, ठीक। सो
अब इसको इस तरीके से भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ओके। क्लास का नाम डॉट शो टू, हमारी क्लास का क्या नेम है, ओके, हमारी क्लास का कुछ और नेम है, वेट अ सेकेंड, मैंने ये लिख दिया, हमारी क्लास का नेम स्टैटिक मेथड एग्जाम्पल डॉट शो है। इस तरह भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, देखें अभी भी आंसर सही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने मेन पॉइंट फोकस किया है अभी वो ये है कि जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होते हैं, और जो स्टैटिक है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं है बल्कि वो सेपरेट है, और आप लोगों ने इसको डायरेक्ट कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लाता हूँ, वो देखें, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं, ओके। अ स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर है। स्टैटिक मेथड्स बिलोंग टू द क्लास, देखें कहाँ गया हमारा कोड, ये देखें क्लास का नेम और डायरेक्ट डॉट शो टू, यानी शो टू डायरेक्ट क्लास के साथ लिंक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको हम तो कहते हैं इट्स अ क्लास, इसके साथ क्लास के साथ बिलोंग है, क्लास मेथड भी इसको आप बोल सकते हैं। स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रादर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। सेकंड पॉइंट, स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, आपको क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट इसको इन्वोक मीन्स के कॉल कर सकते हैं, वो हमने अभी देख लिया। थर्ड, अ स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, ओके, देखते हैं ये क्या मतलब है। लेट सपोज क्लास में एक और वेरिएबल है हमारे पास और वो है स्टैटिक इंट वाई, ये है स्टैटिक इंट वाई, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस, यानी स्टैटिक मेथड एक्सेस कर सकता है किसको, स्टैटिक डेटा मेंबर को, ठीक है ना, वो अभी जो मैंने वाई बनाया है, एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, वो उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता है। लेट्स सी कहाँ गया हमारा स्टैटिक मेथड, ये है स्टैटिक मेथड कहता है कि मैं वाई को वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स सपोज 100, ठीक है ना। सो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वाई स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक है, क्या शो टू भी स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक है, तो क्या ये इसको एक्सेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है, नो। तो हम इसको आउटपुट भी दे देते हैं कि हमें वाई की वैल्यू प्रिंट कर दो, लेट्स सी, देखें यहाँ पे वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, और ये कौन कर रहा है, शो टू कर रहा है, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट उसने बताया है वो ये है कि स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, तो मैंने आपके सामने उसको एक्सेस भी किया है और उसकी वैल्यू भी चेंज की है। लेकिन यह एक और पॉइंट है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, वो ज़रा आप लोग देख लें, क्या एक्स वेरिएबल में और वाई वेरिएबल में कोई डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस है, है, वाई स्टैटिक है, एक्स जो है वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है, यानी वो क्लास का वेरिएबल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेथड एक्स को एक्सेस कर पाएगा, अगर x की वैल्यू हम सेट करना चाहें तो क्या ये होगा, चेक कर लेते हैं, वैसे नहीं होगा, ओके, देखें x को मैं असाइन करता हूँ वैल्यू 20, देखें यहाँ एरर है, जबकि y को एक्सेस किया था तो एरर नहीं आ रहा था, y भी वेरिएबल है, लेकिन x को एक्सेस किया एरर आ रहा है, x भी एक वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल ही है ना, देखें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दोनों इंट x, एक इंट x है, एक इंट y है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है। अब आप जरा सुने वो क्या कह रहा था कि स्टैटिक मेथड जो है वो कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर, ये स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जो कि वाई है, एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट, और यहाँ पे जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो एरर करेगा, क्योंकि इनमें इतनी पावर है कि ये सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक को नहीं। जरा कर्सर लाते हैं इसके ऊपर, क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स, देखें उसके साथ स्टैटिक नहीं लगा हुआ, कैन नॉट बी referenced फ्रॉम अ स्टैटिक context। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये क्या मतलब मसला है, तो ये डायग्राम है, आप देख लें, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो स्टैटिक होते हैं वो अलग ब्लॉक में हैं, अलग एरिया में हैं, तो आप नोटिस करें इस एरिया से निकल के आप इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, वो अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये ओबीजे टू के ब्लॉक के अंदर है एक्स, तो अगर आप इस ब्लॉक से निकल के उस ब्लॉक में जा रहे हैं किस तरह एक्सेस करेगा इसको, आपके पास तो कोई रेफरेंस ही नहीं है उसका, स्टैटिक तो अपने अलग ब्लॉक में आए हुए हैं, तो ये दो अलग घर समझें आप इसको, वो अलग घर में बैठा हुआ है, ये अलग घर है, तो आप दूसरे घर के बंदे को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आपके पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर एक्सेस होता है कोई, अब देखें ना, एक्स तो एक नॉर्मल वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल, और नॉर्मल वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है, हमेशा ऐसे ही एक्सेस होता है
कि आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का और फिर आप उसको डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, सो आप लोगों ने अगर स्टैटिक फंक्शंस बनाने हैं, स्टैटिक मेथड्स बनाने हैं, तो आप लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस आप करेंगे, नॉन स्टैटिक को करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देने वाला है, और आप देख सकते हैं कि ये एरर दे रहा है। अच्छा जी, चलें, गुड, काफ़ी डिस्कशन हो गई है। ये कौन है, देखें ज़रा इस लाइन को फोकस करें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्या ये भी एक स्टैटिक मेथड है? मेन एक मेथड है ना, पैरेंथेसिस के साथ आया हुआ है और ये स्टैटिक है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है अबाउट दिस मेथड के ये क्यों स्टैटिक है और इसको कैसे एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं काफ़ी अजीब से इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने कहा लेक्चर जल्दी से डेवलप कर लूँ। ये ठीक लगा हो तो आप लोग मोस्ट वेलकम, लाइक करें इसको और शेयर करें विद डिफरेंट पीपल। एंड व्यूज़ काफ़ी मेरे कम आ रहे हैं, आई डोंट नो, बट मैं तो काफ़ी डिटेल में बना रहा हूँ लेक्चर्स, कोशिश करें कि लोग साथ शेयर करें इसको ताकि मैं फर्दर लेक्चर्स आपके लिए डेवलप करता रहूँ। ओके, चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू। अच्छा, इसमें दो बातें और भी हैं, ओके, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस अभी हमने नहीं पढ़ी, तो हम जैसे सुपर हो गया या दिस तो हमने पढ़ा है, लेकिन सुपर, सो उनके साथ ये यूज़ नहीं करना आपने, लेकिन वो आगे जाके फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।